नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। जयप्रकाश नारायण की जयंती पर यूपी की राजधानी लखनऊ सियासी जग का अखाड़ा बनती नजर आई। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर में माल्यार्पण की परमिशन न मिलने के बाद योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। घर के बाहर जुटे पुलिस अधिकारियों से अखिलेश ने साफ शब्दों में कह दिया कि उन्हें जेपी की जयंती मनाने से कोई नहीं रोक सकता। अखिलेश की जिद और सपा कार्यकर्ताओं के बढ़ते हंगामे के बाद यूपी पुलिस फुट पर आती नजर आई है। आखिर में अखिलेश के घर के बाहर जेपी की प्रतिमा मंगवाई गई, जिस पर सपा मुखिया ने बड़े नेताओं के साथ माल्यार्पण किया। यूपी की सियासत में ये पहली बार है जब किसी महापुरुष की जयंती के मौके पर इतना बड़ा सियासी संग्राम देखने को मिला। सवाल उठ रहा है कि आखिर अखिलेश जेपी के लिए सरकार से इतनी बड़ी टकराहट क्यों मोल ले रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में सपा ने अपने इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की। सपा को यूपी की 80 में से 37 सीटों पर जीत मिली। उसके सहयोगी कांग्रेस ने भी 6 सीटों पर जीत हासिल की। लोकसभा के बाद से ही सपा का जोश हाई है। जेपी की समाजवादी विरासत पर सपा और बीजेपी दोनों अपना अपना दावा करती रही है। अखिलेश यादव ने अपनी सरकार में लखनऊ में जेपी की याद में जेपी म्यूजियम बनवाया था। अखिलेश उसी म्यूजियम पर माल्यार्पण करना चाहते थे। पिछले साल भी सपा के मुखिया वहां पर गए थे, हालांकि तब उन्हें गेट फांद कर जेपी की प्रतिमा तक पहुंचना पड़ा था। अखिलेश की इस पूरी कवायद को जेपी की विरासत से अपना दावा पीछे नहीं छोड़ने के रूप में देखा जा रहा है। शुक्रवार को भी अखिलेश ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि बीजेपी के लोगों का समाजवादी आंदोलन और आजादी के आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। अखिलेश ने इस दौरान नीतीश कुमार से भी एक अपील की। उन्होंने कहा कि नीतीश जेपी आंदोलन की उपज है। नीतीश को बीजेपी की इस हरकत के कारण केंद्र से समर्थन वापस लेने पर विचार करना चाहिए। लोकसभा के बाद अब अखिलेश की नजर यूपी विधानसभा चुनाव 2027 पर है। इससे पहले इसी साल के अंत में 10 सीटों पर उपचुनाव भी होने हैं। अखिलेश लोक नायक जयंती पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल अपने कार्यकर्ताओं में नए सिरे से जान फूंक रहे हैं।